राइट सो गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम यार, बहुत दिन के बाद मैं मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। मतलब अच्छा खासा मेरा गैप आ गया था, बट हेयर वी गो बैक टू रूटीन। और अभी ब्लॉग कंटिन्यू आएंगे अपने, क्योंकि जैसे मैंने, अगर आपको याद होगा तो लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था अभी मैं एक लॉन्ग राइड प्रिपेयर कर रहा हूँ और जल्दी अभी निकलने वाला हूँ। मतलब बस कुछ दिन बचे हैं लॉन्ग राइड पर जाने के लिए, तो उसी का सब प्रिपरेशन चल रहा है। बट लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि बाइक जब मैं राइड पर लेके गया था तो बाइक इशू कर रही थी, मतलब बाइक 70-80 के ऊपर स्पीड ले ही नहीं पा रही थी। तो इतना तो मैं फॉर श्योर था कि ये क्लच प्लेट का इशू रहेगा, क्योंकि हमारी स्टॉक क्लच प्लेट अभी तक चल रही थी, मतलब 35,000 किलोमीटर्स हो चुके हैं, बट बाइक का क्लच प्लेट अभी तक नहीं गया था। उतने बार में RR बहुत सही चली अपनी, और अभी एट दी एंड फाइनली वो गई है क्लच प्लेट। तो मेरे को तो फुल डाउट है ये क्लच प्लेट के वजह से इशू है, बट फिर भी एक बार चेक करा लेते हैं कि एक्सेलेटर वायर का कुछ इशू है या फिर क्लच वायर का कुछ इशू है या फिर जो सोच रहे थे क्लच प्लेट का ही है। तो अभी अगर ये क्लच प्लेट निकलता है तो आज मोटा खर्चा होने वाला है हमारा, क्योंकि मैं स्टॉक क्लच प्लेट फिर से नहीं डालने वाला हूँ, मैं स्लीपर क्लच डालने के पूरे हिसाब से हूँ। क्या अभी एक बार स्लीपर क्लच के बारे में चेक करता हूँ क्या होता है, मतलब एक्सपीरियंस कैसे चेंज होता है ना स्लीपर क्लच से, वही चेक करना है मेरे को। तो अगर क्लच प्लेट का इशू आता है तो मैं स्लीपर क्लच आज इंस्टॉल कर लूँगा और देखेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। रही बात अभी लॉन्ग राइड की, तो कुछ दिन बाकी है, बस कुछ दिन, प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, अभी बस निकलना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और चलो जल्दी सिग्नल कवर कर लेते हैं। तो अभी वैसे मैं जा किधर रहा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ जो हमेशा अपने रतन सर्विस सेंटर, रतन TVS में जा रहा हूँ। वहाँ पे जाके देखते हैं क्या निकलने वाला है, बस होप्स हो क्या वो एक दिन में हो जाए। रे मेरे को पता है क्लच प्लेट चेंज करने में टाइम जाएगा, तो मैं देखूंगा कि मैं आपको पूरा, मतलब पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा या फिर डायरेक्ट आपको बता दूंगा कैसे हुआ है क्या हुआ है। तो देखते हैं अभी वो जाने के ऊपर है कि कितना टाइम जा रहा है उधर। अभी आप लोगों को समझा जाए तो बाइक में इशू क्या आ रहा था, इशू तो पहली बार मेरे को क्लच में फील हो रहा है, क्या क्लच है ना थोड़ा भी, मतलब बहुत हार्ड हो गया है क्लच अभी, और पहले कैसे मतलब इधर से पूरा ये होता था, अभी बस इधर के इधर ही क्लच मोमेंट दे रहा है, मतलब इधर के इधर ही, मतलब जो भी बाइक हमारी उठ रही है वो इधर के इधर ही उठ रही है, पूरे क्लच पे उठ रही नहीं है अभी। वो क्या इश्यू है मेरे को तो इतना श्योर है क्लच वायर भी चेंज करना पड़ेगा, और वो तो ऑब्वियस चीज़ है कि अगर क्लच प्लेट चेंज होता है तो इंजन ऑयल, क्लच वायर, ये सब चेंज होगा। तो देखते हैं आज कितना मोटा फटका बैठने वाला है, होप कर रहा हूँ ज़्यादा भी मोटा ना बैठे, क्योंकि इसके पार्ट्स भाई BMW सलाम है आपको, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पार्ट्स है इसके। तो बस अभी तक तो बस एस्टिमेट मुझे मालूम है, अभी देखते हैं क्या हो रहा है उधर जाके। बाकी ये देखो बाइक अगर मैं खींचने का ट्राई करूँ ना, एक इतने इसके बाद बाइक वाइब्रेट कर रही है, मतलब लिटरली बाइक स्पीड, ये देखो अभी भी आप हवा देख रहे होगे, बाइक बस स्पीड ले ही नहीं रही, बस वाइब्रेट कर रही है, मतलब वो स्पीड के ऊपर जा ही नहीं पा रही है। तो देखता हूँ अभी क्या हुआ है यार, क्योंकि RR की पावर बहुत मिस कर रहा हूँ, और लॉन्ग राइड पे मतलब चाहिए पावर, इसके भरोसे पे हम लॉन्ग राइड नहीं कर सकते। तो बस एक बार ये इशू रिजॉल्व हो जाए यार। ये आ गया अभी फाइनली रतन TVS, होप सो यार ज़्यादा टाइम ना जाए। क्योंकि इन्होंने पहले मुझे बताया था क्लच प्लेट डालने के टाइम क्लच वायर चेंज करना पड़ेगा, और इनके पास फिलहाल क्लच वायर नहीं थी, तो मैं नहीं चाहता था कि क्लच वायर की वजह से बाइक छोड़ना पड़े। सो मैं पहले ही क्लच वायर लेके आ गया ताकि फटाफट काम हो जाए। ओहो R1, ओहो R1 है यहाँ पे तो, नाइस यार, ये आमिर माजिद की क्यों लग रही है मुझे, अरे शिट, आमिर माजिद की R1 है ये।
क्या दिख रही है यार R1। चलो पहले हमारे RR को बनाते फिर R1 को घूरते। इग्निशन कॉइल अपन चेंज किए थे ना, वो क्यों खराब होता है? अभी एक दोस्त ने 6 महीने पहले लिया बाइक, BS6 R3 लिया। पानी का स्टोर हो गया, हाँ धोते हैं, पानी वाला लगा, पानी वानी लग गया तो स्टोर हो गया। इसका इग्निशन कॉइल का क्या समझा, यही सब बताना है। जो बिग बाइक है पानी किस तरीके से वॉश करना, ज़्यादा अगर पानी वानी जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले तो अपना क्लच प्लेट तो गया ही है, वो तो समझ गया, मगर क्लच वायर भी टूटने आ गया था। मतलब बहुत सही टाइम पे आया हूँ मैं, और एक क्लच वायर चेंज करने में इतना टाइम जा रहा है ना। ये R3 इतना, मतलब बोलते ना बस दिखती है भाई, अंदर खोलने में पूरा हेडेक है ये। हर बार ये सूरज की हालत करके जाता हूँ मैं, कभी नॉर्मल चीज़ के लिए आया ही नहीं, डायरेक्ट उसको हेडेक ही देता भाई। सफर बेचारा सब देखो, दूसरा काम छोड़ के पहले अपने बाइक के पीछे लगा है क्योंकि उसको मालूम है राइड पे जाना है। टूटने आ गई थी क्या? पूरा टूटने आया था, मतलब सही टाइम पे चेंज हुआ है भाई। नहीं निकल रहा इसलिए काट रहा हूँ। अरे सूरज भाई, अपना क्लच की जगह स्लीपर क्लच डालने से क्या फायदा है? पिकअप अच्छा है। हाँ ठीक है, अपना तो पहले स्टॉक ही था, अभी मैं पहली बार स्लीपर क्लच डालो। ये देखो हमारी क्लच वायर, यार ये अपनी नई क्लच वायर। देखो एक गाड़ी के काम के लिए 3-3 लोग लगे, कौन बोलता है क्लच वायर लगाने में 5 मिनट लगते? नहीं भाई बहुत टाइम लगता है इसमें। R3 में यही एक प्रॉब्लम मेरे को लगता है कि छोटे से छोटा काम करने के लिए बाइक पूरा खोलना पड़ जाता है। अभी तक तो मेन चालू होने वाला है क्लच प्लेट का, मेरे को लग रहा है आज टाइम जाएगा इसमें। सो ये देखो अपना पुराना वाला क्लच प्लेट, और नया वाले का प्राइस 5,609 रुपये। ये स्लीपर क्लच है, अच्छा खासा फटका बैठ गया ये। अभी क्लच प्लेट को तो बहुत टाइम हो गया यार, इधर क्लच प्लेट तो इंस्टॉल हो गया है, बस अभी छोटा मोटा काम चालू है, क्योंकि मेरे हिसाब से 3-4 घंटे हो चुके हैं। हाँ ये तो हमारा स्टॉक वाला क्लच प्लेट, और अभी स्लीपर क्लच आया है इसमें सेंटर। बहुत बड़ा खर्चा हो गया यार, और सब चेंज होता है इसमें। मतलब क्लच प्लेट के साथ साथ इंजन ऑयल भी चेंज करना पड़ा, तो इंजन ऑयल भी चेंज कर दियो तो वो भी कुछ तो 1700 के आसपास है, जो TVS का अपना खुद का आता है वो चेंज के। वो डब्बा किधर पड़ा है, इधर ही किधर पड़ा रहेगा, सोचा नहीं था यार इतना टाइम लगेगा, बट चलो ठीक है बाइक ओके हो गई है। मैं लॉन्ग राइड पर अभी वो इशू नहीं करेगी सबसे मेन, तो हो गया अभी बस ये जो परिवार अपना इधर बिखरा पड़ा है यही सब समेटना है, और बस हो गया अभी बिल पे हाथ रख के बिल देखना है एक बार।
टेंशन आ रहा है यार, एक पार्ट देखा हो तो। ऑल राइट, सो फाइनली पूरा काम हो गया बाइक में और अभी घर आ गया हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जिसके लिए आप तो इधर तो क्लोक के रहेंगे, बिल। ये देखो टोटल बिल कितना आया, और इसमें क्लच वायर का नहीं है क्यों, उन्हें बाहर से लेके आया था, तो उसका अराउंड 600 रुपीज़ इसमें ऐड कर लेना, मतलब 9,000 तक पड़ा है मेरे को पूरा। बट क्या मज़ा आ रही है अभी बाइक चलाने, मतलब फुल फ्री हो गई है, और पिकअप तो क्या भाई, अभी व्हीली करने में मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा टाइम चला गया यार, मैं सुबह मतलब बोलते हैं दोपहर का टाइम है, शाम हो गई पूरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ नया आपको पता चला होगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।